दोस्तों फ्लाइंग टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों अंताल्या जनूब मगरबी तुर्की का एक खूबसूरत शहर है। यह बैर रोम के साहिल पर वाक़या तुर्की का सबसे बड़ा शहर और तुर्क रवीरा का मरकज़ है। यह शहर अपने शानदार साहिलों, कदीम खंडरात और मोतहरिक सकाफत के लिए मशहूर है। अंताल्या एक मशहूर सियाती मकाम है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग और गोल्फ बेहतरीन खेले जाते हैं। यहाँ पर कई तारीखी मकामात भी हैं। ये तुर्की की सबसे बड़ी पोर्ट भी है। अंताल्या से तुर्की की सालाना फलों और सब्जियों की 20% बरामदात हासिल की जाती हैं। ये 657 किलोमीटर साहली पट्टी के साथ बैर रोम के किनारे वाकया तुर्की का सबसे बड़ा शहर समझा जाता है। ये शहर शुमाल मगरब में इजमीर और मशरक में मिर्सिन का हमसाया है। अंताल्या शहर इस्तांबुल से 700 किलोमीटर दूर वाक़ है। अंताल्या की आबादी ज़्यादातर मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिसमें ईसाइयों की एक छोटी सी तादाद भी शामिल है। ये शहर मुख्तलिफ मजाहब के दरमियान रवादारी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने अकीदे पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। शहर भर में कई मस्जिद और यहाँ तक के चंद गिरजाघर भी मौजूद हैं। इसके अलावा खित्ते में कई यहूदी और आर्मीनियाई मजहबी मकामात हैं। अंताल्या 14 लाख आबादी के साथ तुर्की का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और बैर रोम के साहिल पर तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। लोग अक्सर इसे तुर्क रवीरा का गेटवे कहते हैं। तुर्क रवीरा, जिसे फेरोजी साहिल भी कहा जाता है, तुर्की के जनूब मगरबी साहिल के साथ अंताल्या से बोडरम तक फैला हुआ है। अतलस टू ने 1वीं सदी कबल मसीह में इस शहर की बुनियाद रखी, जब उसने अपने शानदार बैरी बेड़े के लिए एक बैरी अड्डा कायम किया। उसने बंदरगाह वाले अटालिया शहर का नाम अपने नाम पर रखा। उसने 133 कबल मसीह में अपनी मौत तक अटालिया पर हुकूमत की। जब वो मर गया तो उसने अटालिया और अपनी पूरी सल्तनत रूमी सल्तनत के हवाले कर दी। रोमन दौर में अटालिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। आखिरकार शहर का नाम एडोलिया और फिर इसका जदीद नाम अंताल्या में तब्दील हुआ। अंताल्या शहर के अंदर एक और शहर है। अंताल्या के अंदर आपको तारीखी शहर का मरकज कलीसी मिलेगा। कलीसी का लफ्जी मतलब है कले के अंदर या अंदरूनी कला। कलीसी के अंदर बाजंतीनी, सलजोक, उस्मानी और जदीद तुर्क जमहूरिया दौर से ताल्लुक रखने वाले ढांचे मौजूद हैं। तारीखी तौर पर ये तमाम ढांचे और कलीसी का पूरा हिस्सा इसकी दीवारों के अंदर ही महदूद था, लेकिन आज अब ऐसा नहीं है। तुर्कों ने 130 ईस्वी में रूमी शहनशाह हेडेरियन के इस शहर के दौरे की याद में हेडेरियन का दरवाज़ा बनाया था। अंताल्या दुनिया के सबसे बड़े टनल एक्वेरियम का घर है। अंताल्या एक्वेरियम शहर में सियाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज़ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम है। इस सुरंग की लंबाई 130 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है। अंताल्या और तुर्क शहर फतेह के दरमियान 320 मील का रास्ता है, जो दुनिया के बेहतरीन लंबे रास्ते के तौर पर जाना जाता है। कई सालों तक ये रास्ता एक किस्म का पुरसरार रास्ता था। अंताल्या में आबो हवा आमतौर पर बैर रोम जैसी हल्की गीली सर्दियों और गर्म खुश्क गर्मियों पर मुश्तमिल है। ये सुबह 100 से ज़्यादा ममालिक के गैर मुल्कियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। ताम रूस बरसों से इस लिस्ट में पहले नंबर पर है, इसके बाद ईरानी और जर्मन हैं। तुर्की और दुनिया के दीगर शहरों के मुकाबले अंताल्या में लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं। अंताल्या में रोज़मर्रा की ज़रूरियात के अखराजात इस्तांबुल के मुकाबले में 12% और लंदन से 43% कम हैं। बहुत सी मुख्तलिफ सल्तनतों ने अंताल्या पर हुकूमत की है। यूनानियों ने 2वीं सदी कबल मसीह में अंताल्या की बुनियाद रखी, फिर रोमियों ने शहर पर हुकूमत की, इसके बाद सलजोक सल्तनत और फिर उस्मानियों ने यहाँ पर हुक्मरानी की। पहली जंग अजीम के बाद इटली ने मुख्तसर तौर पर इस शहर पर 3 साल तक कब्जा कर लिया, लेकिन तुर्कों ने तुर्की की जंग आज़ादी के दौरान इस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। अंताल्या तुर्की में सकाफती सरगर्मियों का एक बड़ा मरकज़ है, जहां साल भर कई सालाना त्यौहार और तकरीबात मुनक्किद होती हैं। इन तकरीबात में अंताल्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अंताल्या गोल्डन औरेंज फिल्म फेस्टिवल और अंताल्या जैज़ फेस्टिवल शामिल हैं।
इसके अलावा शहर भर में काफ़ी सारे सकाफती मराकज मौजूद हैं। अंतालिया एक खूबसूरत शहर है। इसके शानदार साहिल, कदीम खंडरात, सकाफत और खूबसूरत माहौल इसे तुर्की के मकबूल तरीन मकामात में से एक बनाते हैं। ये तुर्की का पाँचवा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। अंतालिया में दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम नाइट क्लब है, जिसे हेडेरियन गेट कहते हैं। ये शहर अपनी शानदार साहली पट्टी की वजह से तुर्किश रवीरा के नाम से जाना जाता है। अंतालिया तुर्की के मकबूल तरीन सियाती मकामात में से एक है, जहां हर साल 12 मिलियन से ज़्यादा सियाह आते हैं। ये शहर कदीम खंडरात का घर है, जिसमें कदीम शहर एस्पेंडोस भी शामिल है, जो दूसरी सदी कबलज मसीह में तामीर किया गया था। अंतालिया में दुनिया का वायद जेरे आब म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कदीम नमूने रखे गए हैं। ये शहर कई कदीम खंडरात और यादगारों का घर है। कोनिया आल्टी अंतालिया का मशहूर बीच है, जो इस खत्ते के सबसे मशहूर साहिलों में से एक है। इस शहर में तुर्की की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। ये शहर तुर्की में ख़रीदारी का एक बड़ा मरकज़ है, जहां बहुत से बाजार और दुकानें रवायती तुर्क सामान फरोख्त किया जाता है। तुर्की के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़िया अंतालिया की एक तवील और भरपूर तारीख है। ये शहर दूसरी सदी कबलज मसीह से आबाद है। इस पर रूमियों, बाजंतीनियों, उस्मानियों और सुलजोकों समेत मुख्तलिफ तहजीबों की हुकूमत रही है। ये खित्ता कदीम ज़माने से बैर रोम का एक बड़ा तजारती मरकज़ रहा है और आज भी एक अहम बंदरगाह है। अंतालिया अपने खूबसूरत साहिलों और शानदार मनाजिर के लिए भी जाना जाता है, जो इसे एक मशहूर सियाती मकाम बनाता है। इसकी तारीख खित्ते के बहुत से आसार कदीमा के मकामात के साथ जुड़ी हुई है, बशमोल कदीम शहर टर्मिसोस के खंडरात के साथ साथ कदीम शहर भी। ये तुर्की के जनूब मगरबी साहिल पर वाक़िया एक कदीम शहर है। ये ब्रोंज एज के ज़माने से आबाद है। इब्तदाई आबादकारी हिटीज से यहाँ आए थे। इस शहर ने रूमी दौर में एक बंदरगाह और तजारती मरकज के तौर पर अहमियत हासिल की, तब ये अंतालिया के नाम से जाना जाता था। बाजंतीनी सल्तनत के दौर से ये शहर बाजंतीनी बैरिया का एक अहम अड्डा था। 1207 में सलजोक तुर्कों ने अंतालिया को फतह किया। इसे अंतोलियाई बेलेकाफ्टेके का दारुल हुकूमत बनाया। सलजोकों और उनके जानशीनों की हुक्मरानी में किरमानी अंतालिया ने तरक्की की और एक अहम तजारती बंदरगाह बन गई। 16वीं सदी में अंतालिया को सल्तनत उस्मानिया ने फतह किया और अगले 400 सालों तक ये उस्मानियों के लिए एक अहम बंदरगाह रहा, जिन्होंने शहर में कई दिफाई किले बनाए। 19वीं सदी के आखिर में ये शहर एक अहम सियाती मकाम बन गया। बहुत से यूरोपी बाशिंदे इसके साहिलों और तारीखी मकामात से लुत्फानंदोज होने के लिए आते थे। 1923 में अंतालिया नौ तश्कील शुदा जमहूरिया तुर्की का हिस्सा बन गया। आज अंतालिया एक जदीद शहर है, जिसमें बहुत से लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स के साथ आसार कदीमा के मकामात हैं, जो तुर्किश रवीरा के नाम से जाना जाता है और ये मुल्क के मशहूर सियाती मकामात में से एक है। दूसरी सदी कबलज मसीह से ये शहर एक अहम बंदरगाह था और आज ये एक मसरूफ तारीखी और तफरी शहर है। 2000 साल से ज़्यादा की तारीख के साथ इस शहर में आने वाले सयाह मुख्तलिफ अदवार के साथ मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़न तामीराती यादगारों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो तुर्की के शहर अंतालिया के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर हमारा चैनल फ्लाइंग TV सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।